नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय इंडियन मीडिया में छाई है। कारण है क्योंकि हाल ही में हमारे एक सहयोगी जर्मनी ने हमारी मजाक बनाई है। अब सहयोगी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई बायलेटरल रिलेशंस तो है ना उसके साथ आपके। हमारी मजाक किस बात की बनाई है, हाल ही में जो हमने टॉप किया है इस बात की मजाक बनाई है। किस बात में टॉप किया है, आप जनसंख्या में नंबर वन हो गए हैं, बधाई हो। ये तो सब होना ही था, मेहनत का परिणाम है तो उसकी बधाइयाँ मिलनी थी। लेकिन बधाइयाँ कोई इस तरह से देगा, ये सब थोड़ा सा हम लोगों को हजम नहीं हुआ है। आइए पूरी कथा का विश्लेषण करते हैं, बताते हैं क्या कहानी है, कहाँ से निकल कर आ रही है, कहाँ तक जा रही है। चलिए साथियों, आप लोगों ने कुछ दिनों पूर्व विदेशी मीडिया के द्वारा किए जा रहे भारत के मजाक बनाने के अंदाज को नोटिस किया होगा। आपको याद है आज से लगभग 6 महीने पहले अक्टूबर की खबर है, हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर कवर की थी कि अमेरिकी अखबार में भारत की मजाक बनी थी। अमेरिकी अखबार में मजाक बनी, अमेरिका के अखबार में वॉल स्ट्रीट जर्नल में भारत के विरुद्ध पूरा एक अखबार छपा, एडवर्टाइज छपा, और उसको छापने के पीछे एक प्राइवेट कंपनी जिम्मेदार थी जिस पर इंडिया में केस चल रहा है। वो जाकर के अमेरिका के एक अखबार में पूरा पेज एडवर्टाइज निकालती है और कहती है कि अगर इंडिया में ये लोग रहेंगे तो यहां पर दिखा है मीट द ऑफिशियल्स हु मेक इंडिया एन अनसेफ प्लेस टू इन्वेस्ट। जहां से इन्वेस्टर चल के इंडिया आता है, अमेरिका और सिंगापुर, उनमें से अमेरिका के अंदर एक अखबार छपता है, अखबार में दिखाया जाता है कि इंडिया अनसेफ है। ये खबर 6 महीने पहले की थी। हमारे ऊपर अखबारों के द्वारा किए जा रहे प्रहारों में ये पहला नमूना ताजा ताजा था। हालांकि पुराने नमूने भी दिखाऊंगा, मैं पूरी खबर लेकर आया हूं। इसी प्रकार से कुछ दिनों पूर्व अगर हम 6 महीने पहले की ही और बात करें तो 15 अक्टूबर की खबर है, एक स्पेनिश अखबार ने इंडिया का मजाक बनाया था। IMF दुनिया को कह रहा है कि सीखना है तो इंडिया से सीखो, स्पेनिश अखबार कह रहा है इनसे क्या सीखें, ये तो सपेरे हैं, ये तो बीन बजा के सांप को नचाना जानते हैं, ये क्या हमको सिखाएंगे, दीज आर स्नेक चार्मर्स, इंडिया को लेकर के इन्होंने मजाक बनाई। यानी अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाकर देखें तो ये वो लोग हैं जो कभी हमारी ही रोटियों पर पले हैं, ये वो लोग हैं जो हमसे लूट करके बने हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हम पर शासन करके अपने आप को अमीर बनाया है, आज वो हमारी मजाक बनाते हैं। कोई नहीं, मजाक का सिलसिला चलता रहा क्योंकि हाल ही में एक ऐसा ही कारनामा फिर हुआ। हमने आपके सामने एक सेशन किया जिसमें हमने बताया कि भारत नंबर वन बन गया है। आज से 5 दिन पूर्व हमने एक खबर अपनी पाठशाला हमारे दूसरे YouTube चैनल पर की थी जिसमें मैंने बताया था कि जनसंख्या के मामले में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है और हम नंबर वन बन गए हैं। खबर थी, इसमें हमने प्लस और माइनस दोनों बातें बताई थी, जनसंख्या होने के फायदे, जनसंख्या होने के नुकसान गिनाए थे। इसी बीच में जर्मनी का एक अखबार अपना कार्टून लेकर कूद पड़ता है, एक मीडिया हाउस कार्टून लेकर कूद पड़ता है और दिखाता है, क्या दिखाता है, जर्मन मीडिया कार्टून ऑन इंडियाज पॉपुलेशन ओवरटेकिंग चाइना लीव इंडियन फ्यूमिंग। क्योंकि हमने यहां क्या दिखाया था, चीन से आगे निकले हम, तो इन्होंने हमारी इसी बात की मजाक बनाई। कैसे, कि इंडिया वाले ऐसे निकले हैं चीन से आगे, चीन वाले तो बुलेट ट्रेन में चलते हैं, इंडिया वाले इस प्रकार से ट्रेन के आगे, ट्रेन के ऊपर, ट्रेन के नीचे, साइड में, सब जगह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इनका मानना था कि इंडिया और चीन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमें कंपैरिजन क्या इस आधार पर करना है कि हम भीड़ लेकर आगे निकल गए, या फिर चीन को देखो वो बुलेट ट्रेन से चल रहा है। आज हम इसी बारे में विश्लेषण करेंगे जर्मनी के साथ। हम समझेंगे कि जनसंख्या में हम आगे निकले हैं और जनसंख्या में जो तुमने कार्टून शो करके इंडिया के तुमने फिरकी ली है, आज हम तुम्हारी फिरकी लेंगे, तैयार हो जाओ। और तैयार हो जाओ इस बात को जानने के लिए भी क्योंकि इंडियंस आ रहे हैं। इंडियंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर 5वां व्यक्ति अब भारतीय है। तुम्हारी टॉप मोस्ट कंपनीज में जो CEOs हैं वो अब इंडियंस आ रहे हैं। और साथियों, इंडिया के ओरिजिन के जो ग्लोबल टेकओवर्स हैं, यानी कि वो इंडियन जिन्होंने दुनिया के सामने जाकर के अपना परचम लहराया है, आज के सेशन में आप, हमने एक बुक आपके लिए ऑडियो बुक के रूप में रिकमेंड की है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है Kuku FM पर, जाकर सुनिए कि किस प्रकार इंडिया ने दुनिया में अपना परचम लहराया है। साथ ही इस Kuku FM प्लेटफॉर्म पर आप 20 से अधिक कैटेगरीज में 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स को 1 महीने के पूरे सब्सक्रिप्शन में कई बार सुन सकते हैं, बकायदा अपने लिए सिलेक्शन लिस्ट बना सकते हैं, प्लेलिस्ट बना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं।
और तो और ऑडियो बुक सुनने के सबसे बेहतरीन फायदे में आप मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, चाहे फिर आप वॉक कर रहे हों, आप जिम कर रहे हों, आप सोने की तैयारी कर रहे हों, किचन में काम कर रहे हों, उन तमाम चीजों में आप ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इसके लिए कुकू FM गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जाकर के बुक्स का लाभ ले सकते हैं। साथियों, इनको सुनने की कीमत आपको प्रति माह अदा करनी होती है 99 रुपीज, लेकिन पहले महीने यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 या कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको यह ऑडियो बुक्स 49 रुपीज में सुनने को मिलती है, वो भी पूरे एक महीने के लिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो जैसी कहानी अभी हमने सुनी कि इंडिया ने चाइना को टेक ओवर किया जनसंख्या के मामले में, हमसे मजे लेने के लिए जर्मन्स आ गए। उनका कहना था, इंडिया वालों खुश किस बात पर हो रहे हो, इस बात पर कि तुम्हारी जनसंख्या बढ़ते बढ़ते चीन से आगे चली गई है। यदि तुम्हें इस बात की खुशी है तो यह जान लो कि चीन जिस समय सुधर रहा होगा उस समय तुम्हारी जनसंख्या बढ़ रही होगी। तुम्हारी जनसंख्या एक समय पर इंडिया की जनसंख्या चीन को टेक ओवर करके ऊपर निकलेगी और ऊपर निकल करके यही जनसंख्या आगे चलकर इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बनाएगी और चीन अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल करके तुमसे आधी जनसंख्या का रह जाएगा। यह जानकारी हमें थी, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है कि यह जानकारी हमें नहीं थी, हमें थी, हमें यह जानकारी थी कि तुमने ये जो दृश्य दिखाया है, ये दृश्य दो ट्रेनों का कंपैरिजन नहीं तुम हमें दिखाना चाहते हो कि हम नंबर वन बन गए तो ये तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि हम जनसंख्या में नंबर वन बन गए तो ले लो इनके मजे ले लेते हैं, तुम्हारी एक एक चीज का आंसर करते हैं। चलो, सबसे पहले जो तुम ट्रेन दिखा रहे हो ना, ये इंजन पर आगे पीछे सब तरफ लटके हुए जो लोग तुम्हें दिख रहे हैं, मेरे प्यारे मित्र, ये जो तुम्हारी द्वारा दर्शाई गई तस्वीर है जो कि जर्मनी के एक मीडिया हाउस जिसका नाम है डेर स्पाइजल, जिसने इस चीज को दर्शाया है, उनकी जानकारी के लिए बता दें साथियों, ये तुम्हारा बनाया हुआ कार्टून एक पाकिस्तानी कार्टूनिस्ट ने बनाया है। तुम्हारे यहां पर कोई पाकिस्तानी काम करता है, उसे भारत की तरक्की हजम नहीं हो रही। आप में से कुछ लोग कहेंगे, अच्छा, जनसंख्या बढ़ने में भी तरक्की है क्या? अजी नहीं, जनसंख्या तो एक बहाना है, नेचुरल प्रक्रिया है, वो तो बढ़ के आगे आनी ही थी, कोई अचानक थोड़ी हुआ है। हम लोग बहुत दिनों से इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं कि 2023 में भारत की जनसंख्या चीन को क्रॉस कर जाएगी, ये कोई आज की बात थोड़ी है, ना जाने 5 साल से इस बारे में चर्चा चल रही है, ये तो अचानक नहीं हुआ। लेकिन अचानक क्या हुआ, इस कार्टूनिस्ट का तुम्हारे इस मैगजीन में जाकर यह सब छापना, क्यों? क्योंकि इन्हें लगा कि इंडिया को इस समय टीज किया जाए। चलो, अब तुम्हें टीज का जवाब देते हैं। सबसे पहली बात, तुम जिस ट्रेन की तस्वीर दिखा रहे हो, इंडिया में चाहे कितना भी अर्जेंट पेपर क्यों ना हो, इंडिया में चाहे कितनी भी अर्जेंट जाने की जरूरत क्यों ना हो, इंडियंस ट्रेन पर बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं, लेकिन भैया इंजन पर कोई नहीं बैठता। और अगर हां, बैठने की बात तुम्हें लगती है कि इंडियंस बैठते हैं, तो तुम्हारी काइंड इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि दिसंबर 2023 के बाद इंडिया का कोई भी व्यक्ति ट्रेन के ऊपर नहीं बैठेगा। बोले, आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि जो काम तुमसे ना हो पाया वो हम इंडियंस ने कर दिखाया। तुमसे ना हो पाया मतलब, अरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम जर्मन्स की बात कर रहे हैं। जी हां साथियों, इंडिया दुनिया का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क रखता है, लेकिन दिसंबर 2023 तक हमारी सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिफाई हो जाएंगी, यानी हमारे हर ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन इलेक्ट्रिफाई होगी, बिजली से चलने वाली ट्रेन होगी। जर्मनी वालों, तुम्हारी ट्रेन्स अभी तो छोड़ो, 2030 तक भी 100% इलेक्ट्रिफाई नहीं होंगी। तुम चीन से हमारी तुलना कर रहे हो, पहले तुमको तो नाप दें, फिर हम चीन की भी चर्चा कर लेंगे, उसका तो हमने पहले से हिसाब ले रखा है। हम लोगों ने डेमोक्रेसी अपनाई है, वहां तानाशाही अपनाई गई है। डेमोक्रेसी के अपने कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन एक दिन हम इसी को अपनाते हुए तुम्हें जब पीछे छोड़ेंगे तो पीछे जाके चीन के ही खड़े होंगे। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन जर्मनी वालों, इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है इसी साल के अंत तक तुम्हें पीछे छोड़कर। शायद असल दर्द तुम्हारा ये है। तुम्हारी खूबसूरती और जानकारी के लिए बता दें कि 2027 या 28 तक इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। शायद तुम्हें इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं हम। हाँ, तुम्हें डाइजेस्ट ना हो इसलिए हम तुम्हें जानकारी दे दें कि तुम जिस तस्वीर को दिखाकर खुश हो रहे हो वो असल में तस्वीर हमारे पोते की है जो एक पाकिस्तानी ने बनाई है। कारण यह है कि ये जो वीडियो दिखाई दे रहा है ये ईद के समय का बांग्लादेश की फोटो है, जिसमें इंजन के आगे, इंजन के ऊपर और दाएं बाएं भी लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, हम तो ये भी मानने को तैयार हैं कि ये सब हमारी आबादी है।
अरे डेयरिंग तो देखो भाई, एंजल के आगे बैठने की हिम्मत है। तुम यार छोड़ो, तुम वो हवाई जहाज से भी कूदते हो तो पता चलता है पैराशूट लगा के चलते हो, यहाँ जान हथेली पर लगकर चल रहे हैं। खैर कोई नहीं, डेयरिंगबाज है हमारा पोता जो है, खैर कोई नहीं। ऐसी स्थिति में तुमने इन तस्वीरों को देख लिया होगा, जांच लिया होगा, इंडियंस बच्चों चिढ़ा लिया होगा, लेकिन तुमको हमने प्रॉपर आंकड़े तुम्हारे ही अखबारों से दिखाने हैं। चलो देखो, ये तुम्हारे 4 अक्टूबर 2022 की जर्मन के ही अखबार की न्यूज दिखाते हैं, जिसमें जर्मनी के बारे में लिखा है कि इट इज अनलाइकली टू रीच रेल इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट। तुम्हारी खुद की सरकार ये स्वीकार करती है कि तुम इलेक्ट्रिफाई नहीं हो पाओगे 2030 तक। ऐसी स्थिति में तुम इंडिया की खबर सुन लो। इंडिया में अभी तक 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी 100% इलेक्ट्रिक हो चुके हैं अपनी रेलवे नेटवर्क को लेकर। और तो और, हम लोग यहां पर दिसंबर 2023 तक इंडिया के सभी रेलवे ट्रैक्स को 100% इलेक्ट्रिफाई कर देंगे। अरे चीन से हमारा कंपैरिजन कराते हो, जरा खुद की गिरेबान में तो झांक लो। तुम्हारा जो डर है ना, वो हमें दिखाई पड़ता है। अरे तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारी मानसिकता वालों के डर को हम जानते हैं। तुम्हारी मानसिकता में एक बार हमारा मजाक इस तरह बनाया गया था, क्योंकि हमने तुम्हारे घरों में सेंधमारी कर दी थी। तुम्हारे जो हाई एंड जो एटीट्यूड के केसेस हैं कि भाई स्पेस में जाना है तो सूट बूट के लोग ही जाएंगे। एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने, साथियों अमेरिका का अखबार है, उसने इंडिया की मजाक कुछ इस प्रकार से बनाई थी जब इंडिया ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत बहुत पुरानी आदत है, इनके अंदर इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये हमें हर कदम पर नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों ये बात सत्य है कि इंडियंस को अगर किसी भी प्रकार से झुकाना है तो उनको खुद के ऊपर लो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दो, उन्हें बार बार ये टीज कर दो कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो कुछ नहीं हो। ये काम इन्होंने लंबे समय तक मैकाले शिक्षा पद्धति से किया है। भारत इस समय पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, हर भारतीय अपने इतिहास को जानने के प्रति जिज्ञासु हो रहा है, भारतीयों में अपने अध्यात्म को, भारतीयों में अपनी विविधताओं को, भारतीयों में अपने इतिहास को जानने की जो जिज्ञासा पैदा हुई है, इससे असल मायने में इन लोगों के अंदर एकदम सांप लौट रहे हैं। असल में अमेरिका जैसे देश ने हमारी मजाक न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से बनाई। कैसे? एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून छापा जब इंडिया ने मार्स मिशन लॉन्च किया। इंडिया को इस प्रकार से दिखाया कि हम एक फार्मर की भूमिका में आते हैं और फार्मर की भूमिका में आकर चप्पल पहनकर भैंस हाथ में लेकर और नॉक नॉक करते हैं कि हमें एलीट स्पेस क्लब में शामिल कर दो, क्योंकि हमने मार्स पर मिशन भेज दिया। कोई बात नहीं, हमने मार्स पर मिशन भेजा, तुमने मजाक बनाई, हमने अपने द्वारा प्रतिकार भी किया इस बात का और फाइनली तुमने माफी भी मांगी, पर माफी से कुछ होने वाला नहीं था। जब एक इंडिया के ही अखबार ने तुम्हारी असल में मजे लिए, तब हमें शांति मिली। साथियों खबर है आज से 6 साल पुरानी, इंडिया ने 104 सैटेलाइट एक ही बार में अपने एक ही रॉकेट से लॉन्च किए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन सैटेलाइट्स में इन्हीं एलीट क्लास के लोगों के सैटेलाइट्स भी थे जो अंतरिक्ष छोड़ने भेजे गए थे। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनकी फिरकी ली थी और कहा था कि देखिए, अंदर बैठा हुआ है वही व्यक्ति जो एलीट स्पेस क्लब में आना चाहता है, और अपने अपने रॉकेट लेकर ये सब सूटेड बूटेड लोग गेट बजाकर इंडिया से कह रहे हैं कि हमारे रॉकेट से, हमारे सैटेलाइट्स को अपने रॉकेट से छोड़ दीजिए। ये समय का चक्र है, ये तय है कि हमने पहली बार सैटेलाइट एक बैलगाड़ी पर लाद कर लेकर गए फिर छोड़ा था। लेकिन ये याद रखो, 75 साल की आज़ादी के भीतर हम तुम्हारी बगल में आकर खड़े हो गए हैं, और जिस द्रुत गति से हम जा रहे हैं, जिन्होंने कभी हम पर शासन किया था वो टॉप 10 में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विचार करो, इतने साल की अधीनता हमने, 200 साल अंग्रेजों की अधीनता रखी, और उससे भी कई गुना साल हमने विदेशी आक्रांताओं का शासन अपने यहां रखा। उसके बावजूद भी आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। माना हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दिन एक बांस का इतना बड़ा गुच्छा बना लेंगे ना कि तुम्हें तो सोच मतलब छोड़ेंगे नहीं। खैर इसके साथ साथ साथियों, फिर इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आया, और इंडिया के पॉलिटिशियंस ने जब रिएक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि समझ में आता है कि तुम्हारा दर्द लाजमी है, क्योंकि तुम्हारा दर्द असल में इस बात का है कि इंडिया जल्दी ही तुम्हें टेक ओवर करके 4th बिगेस्ट GDP बनने वाला है। भारत सरकार की तरफ से सांसद और मतलब विदेश मंत्री टाइप के जो लोग थे, उपराज्य मंत्री, उनके द्वारा ये बयान दिए गए, ठीक है। लेकिन भारत के द्वारा ये टिप्पणी भी की गई कि इंडिया के मिनिस्टर ने साफ साफ कहते हुए डेयर स्पाइगर
एंजल से कहा कि तुम लोग इस तरह से दिखाकर एक रेसिस्ट प्रकार का हमारे साथ बिहेवियर कर रहे हो, लेकिन ये तुम्हारे खून में है। तुम वो लोग हो जो लाखों लोगों को एक विशेष नस्ल का होने के कारण एक गैस चैम्बर में डालकर मार देते हो। तुम्हें याद होना चाहिए जर्मनी वालों, तुम्हें अपने ऊपर इतना घमंड था कि तुमने यहूदियों को एक गैस चैम्बर में सड़ा कर मार दिया था, गैस चैम्बर में घोट कर मार दिया था। तो तुम्हारी जो तुम्हारे प्रति अपने मन में तुम्हारे प्रति जो खुद को लेकर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो हमें पता है, लेकिन इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना। और वो कॉम्प्लेक्स तोड़ने के लिए हम निकल चुके हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन निकल चुकी है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें, तुमसे ज्यादा बुलेट ट्रेन बनाने की कैपेसिटी अब इंडिया वंदे भारत में रखता है, तुमसे ज्यादा चीजों में बढ़ने की तरक्की इंडिया रखता है, कोई नहीं। तुम्हारी हमको यह चैलेंज बर्दाश्त है, हम सब मिलकर लगे हुए हैं। और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इस साल तुम्हें छोड़ करके ही बनने वाला है। चाहो तो इंडिया कहां से उठकर आया था देख सकते हो, जहां वर्ष 2000 तक इंडिया कहीं नहीं था, आज चलता हुआ इंडिया 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेगा, वो भी तुम्हारी नजरों के सामने होगा। खैर, तुम्हारा दर्द लाजमी है, क्योंकि हमको लोगों ने इसी प्रकार टीज किया है और हमने कीर्तिमान बनाए हैं। हम वो हैं जिन्हें आप नीचा दिखाएंगे, हम नजरें उठाकर और आपको सिर से गिरा देंगे। साथियों, कुछ ऐसा ही हमारे साथ मौकरी बनाई गई थी हमारे पड़ोसी मुल्क के द्वारा, जिसने कोरोना को कभी बीमारी ही नहीं माना, उसने हमारी मजाक बनाई थी। कहा था कि इंडिया में वैक्सीन के हालात ये हैं कि इनके पास वैक्सीन है नहीं, बातें करते हैं। हमने इनको भी जवाब दिया था, जवाब हमने काम करके दिया था, क्योंकि इंडिया ने 200 करोड़ वैक्सीनेशन 18 महीने के रिकॉर्ड टाइम में किया था, और साथ में दुनिया के 90 से अधिक देशों को वैक्सीन पैक करके भेजी थी कि तुम लोग भी यूज करो, जिसके चलते अमेरिका समेत दुनिया के IMF जैसी संस्थाओं ने भारत की तारीफ की थी। खैर, कोई नहीं, हम ये स्वीकार करते हैं कि तुम लोग हर बार हमारा मजाक बनाते हो। इंडिया के साथ जब अमेरिका न्यूक्लियर डील करने आया था तो भगवान शिव के नटराज प्रतिमा का बुश की प्रतिमा के साथ कंपैरिजन किया गया था। तुम लोग हमारी आस्था, हमारे विश्वास का मजाक बनाते हो, और हम इन्हीं आस्था और विश्वासों के बलबूते हम तुम्हें पछाड़ते हुए आ रहे हैं। पछाड़ने में हम भारतीयों में बस एक चेतना का संचार जिस दिन हो जाए कि हमें नौकरी नहीं, हमें किसी की नौकरी नहीं, हमें अपने यहाँ लोगों को नौकर रखना है, जिस दिन भारतीयों में यह संचार हो गया, जिस दिन प्रत्येक भारतीय यह स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं एम्प्लॉयर बनूंगा, मैं एम्प्लॉय नहीं मैं एम्प्लॉयर बनूंगा, जिस दिन भारतीय में यह विचार शुमार हो गया, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया वालों तुम हमारे यहां नौकरी करने आओगे। पर इसके लिए एक चेतना की आवश्यकता है, जिसका बीड़ा अंकित इंस्पायर इंडिया ने भी उठाया है, और मेरे बहुत सारे साथी मित्र भी यही चेतना का संचार निरंतर कर रहे हैं। जिस अमेरिका ने हमारे साथ इस तरह का नटराज के शिवा की मूर्ति के साथ किया था, वो उन 26/11 के हमले पर बोलता है कि इंडिया ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उससे हमें शांति का एहसास होता है। माल्थस नाम का इकोनॉमिस्ट था जिसने हमारी मजाक बनाते हुए कहा था, इंडिया में जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, यह एक फेलियर नेशन होगा। ये बात है 1960s और 70s की। इंडिया ने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स के वैल्यूएशंस को, उनकी थ्योरीज को गलत सिद्ध किया। हम लोग उसी समय ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, और आज हम दुनिया को गेहूं खिलाते हैं अपनी आबादी को खिलाने के बाद। माना कि हमारे 1950 के भारत की तुलना में फिलहाल प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी उस जनसंख्या का लालन पाषण नहीं कर सकते। करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस कमी को हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे, और हर भारतीय गर्व से इस बारे में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करेगा कि अपने देश में महिलाओं के सशक्तिकरण पर, साथ में महिलाओं के साथ साथ अपने अंदर व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मजाक ना बनने दें और निरंतर अपनी ऊंचाइयों तक छुएं। फिलहाल के लिए आपके सामने एक कमेंट बॉक्स में हमने लिंक पिन किया हुआ है, फुर्सत मिले तो एक बार जाकर ऑडियो बुक पर अपने आप को सुन लीजिएगा। कुकू FM पर यह ऑडियो बुक अवेलेबल है, अंकित 50 रेफरल कोड लगाकर आप उसे सुन सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं वाकई में भारत का इतिहास, भारत की राज व्यवस्था, भारत की ज्योग्राफी जानना, तो आपका स्वागत है अपनी पाठशाला पर। मेरे प्यारे साथियों, अपनी पाठशाला मेरा अपना एप्लीकेशन है, जहां पर फिलहाल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी चारों सब्जेक्ट 1999 में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिलहाल वहां पर इंडियन ज्योग्राफी,
शुरू होने वाली है, नया बैच शुरू होने वाला है। आप अपने आप को अभी एनरोल करा लें ताकि पुरानी क्लासेस तो आपको मिल ही जाएं और नए बैच में आपकी एंट्री हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।